हाय गाइस, तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ लाइफ के एक छोटे से लेकिन बहुत ही ज़रूरी टिप। जैसे कि लाइफ में बहुत सारी मुसीबतें होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए हम बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो कभी आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशन आए जब आपको ऐसा लगे कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज फॉलिंग अपार्ट, आप किसी भी चीज़ को ठीक नहीं कर पा रहे, तो मेरा आपको एक सजेशन रहेगा कि आप बिल्कुल उस चीज़ को लेट गो कर, बिल्कुल भी स्ट्रगल मत करो उसे ठीक करने के। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आप सबने लाइफ में कभी ना कभी पतंग तोड़ा ही होगा। तो अगर आप पतंग को देखें तो जब भी पतंग हवा में नाच रही होती है या फिर वो स्टेबल नहीं होती, हमारे कंट्रोल में नहीं आ रही होती, तो सबसे बड़ा रूल होता है कि ढील दे दो। और जब हम पतंग को ढील दे देते हैं तो वो अपने आप बिना हमारे कुछ किए अपने आप रिदम में आ जाती है और अपनी जगह पर आ जाती है। और जब अपनी जगह पर आ जाती है तो कहा जाता है उसे खींचो, तब हम उसे वापस अपनी जगह पर लेकर आ सकते हैं। ठीक इसी तरह लाइफ में जब भी सिचुएशंस हमारे कंट्रोल में ना हो उन्हें लेट गो कर दो, ढील दे दो, स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ कि सब कुछ अच्छा होगा, अपने आप वो चीजें ठीक हो जाएगी। और फिर जब वो ठीक हो जाए आप उन्हें अपने हिसाब से ढाली। क्योंकि अगर आप पतंग को जब वो स्टेबल नहीं होती है और इधर उधर झूल रही होती है तब खींचेंगे तो यकीनन वो पतंग नीचे जाकर जमीन पर गिर जाएगी, संभलेगी बिल्कुल भी। ठीक उसी तरह अगर कोई भी चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, एवरीथिंग इज फॉलिंग अपार्ट, सब कुछ खराब हो रहा है और आप बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते, आपके हाथों में कुछ भी नहीं, तो उसे खींचने की बजाय, उस वक्त स्ट्रगल करने की बजाय लेट गो कर। क्योंकि जितना आप स्ट्रगल करोगे उतना आपको भी पेन होगा, उतना आपको भी दुख होगा और कुछ भी ठीक नहीं होगा। द बेस्ट वे टू विन इज टू लेट गो। लेट गो करने के लिए बहुत जबरदस्त विल पावर चाहिए होता है। अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने बिलीफ को स्ट्रॉन्ग कीजिए और चीजों को लेट गो कर दीजिए। एंड आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस, जस्ट बिलीव। अच्छा सोचेंगे तो जरूर अच्छा होगा। तो अगली बार जब भी आपको ऐसा लगे कि चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है तो स्ट्रगल ना करें, लेट गो कर दें। जब चीजें अपने आप ठीक हो तो उन्हें अपने हिसाब से ठीक कीजिए, ऑर्गेनाइज कीजिए। टिल देन टेक केयर एंड स्टे वेल, स्टे फिट। Keep your hopes high.